माननीय जीतन नामाजी जी हम लोग के गार्जियन है, पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार के, अपने डिसीजन पर अड़ी रहे और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप महागठबंधन एनडीए को छोड़ने का काम करें और आइए हाथ मिलाकर कंधे से कंधे मिलाकर सरकार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए दीजिए नहीं तो गठबंधन तोड़ देंगे। और इस बात को लेकर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया और जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया। अब उनके बयान के बाद राजद की तरफ से मांझी को बड़ा ऑफर आ गया है। जीतन राम मांझी को लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता सह विधायक भाई वीरेंद्र ने मांझी को कहा है कि आप अपने बयानों पर अडिग रहिए, अगर आपकी बातों को नहीं मानी जाती है तो आपका स्वागत है, आप एनडीए गठबंधन दल से बाहर आइए, राजद आपका स्वागत करेगी। आप ये वीडियो देखिए कि 1000 करोड़ रुपए क्षेत्र के लिए अगर नहीं दिया जाएगा तो दल में नहीं है गठबंधन में है, गठबंधन तोड़ दिया। हम तो मनाते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जिस तरह से बयान दिए और जो उन्होंने कहा है, हर विधायक चाहता है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, हम समझते हैं कि उसको सरजमीन पर लाने की जरूरत है। आप सरजमीन पर लाइएगा तभी आपकी बात को लोग सच मानेगा। और चूंकि 243 विधायकों का विधानसभा है, हर विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए चाहता है और यहाँ है पिक एंड चूज। 1 साल का पैसा तो ऐसी सरकार खा गई कोरोना के नाम पर, कोरोना में तो कुछ किया नहीं, 1 साल का पैसा वो खा गए। और अभी हर जगह जाते हैं तो नली गली ये दिस दैट, जो रोड हम लोग बना चुके थे उसको जलमल योजना में तोड़ के रख दिया गया, आज तक बनाने तो हर विधायक चाहता है। तो मांझी जी का जो बयान है और जो उन्होंने कुछ कहा है ठीक कहा है, हर विधायकों का अधिकार है सरकार से मांग कर अपने क्षेत्र का विकास। सवाल है कि अगर वो कर दिखाएं तब ना, कहते पूछे करते पूछे, इसलिए हमको लगता है कि ऐसा क्या होगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि माननीय जीतन राम मांझी जी हम लोग के गार्जियन है, पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार के, अपने डिसीजन पर अडिग रहे और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप महागठबंधन एनडीए को छोड़ने का काम करें और आइए हाथ मिलाकर कंधे से कंधे मिलाकर सरकार बनाएं। मांगना तो विपक्षी दलों को पड़ता है, सरकार में है और वो उनके बेटे भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो मांगना जायज है, उनका तो हक है। नहीं नहीं, मांगना सबको है, हक है, सब जैसे वो विधायक है वैसे हमें भी विधायक हो, चाहे आप मुख्यमंत्री रहे हो या मुख्यमंत्री हैं, विधायक सदन का सदस्य विधायक ही होता है, इसलिए सबका हक बराबर। तो देखा आपने किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने जीतन राम मांझी को ऑफर दे दिया है और कहा है कि आप हमारे साथ आइए, एनडीए गठबंधन को छोड़कर अगर आपकी बातें को नहीं मानी जाती है तो। देखने वाली बात होगी कि इस तरह के ऑफर जीतन राम मांझी को लगातार आते रहते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी सरकार का वो हिस्सा है, अगर वो अपना समर्थन खींचते हैं तो बिहार में सरकार गिर जाएगी, इस बात का जिक्र सभी लोग करते हैं और सभी लोग जानते हैं। ऐसे में एक बार फिर से राजद की तरफ से बड़ा ऑफर आ गया है जीतन राम मांझी को, अगर आपकी बातें नहीं मानी जा रही हैं तो आप एनडीए गठबंधन छोड़कर हमारे साथ आइए महागठबंधन में और हमारी आपकी बातों को हम लोग पूरा करेंगे।